जब आप HCF और LCM निकालते हो तो आपको 4 से 5 मिनट लगते हैं, राइट। लेकिन आज हम एक ऐसे मेथड के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर हम HCF और LCM निकाल सकेंगे, राइट। सो हे एवरीवन, नेमार दिस साइड एंड वेलकम टू एस्ट्रोकल एकेडमी। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 52 और 78, राइट। और इसका HCF और LCM अगर हमें निकालना है तो हम एक बार नॉर्मल मेथड से निकालते हैं इधर, और इधर हम जो चीज सीख रहे हैं उससे हम निकालेंगे बाद में, ठीक है। इससे हम निकालते हैं तो हमारा टाइम लगता है, फॉर एग्जांपल जैसे देख लेते हैं कितना टाइम लगता है, आप काउंट कर लेना। मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, जैसे 52, 26, 2, 13 और 13 से 1, राइट। और इसका हम 78 का निकालते हैं, 78 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, 2 और 39, ठीक है, और फिर 3, 13, फिर 13 और 1। हमारा HCF कितना आया इसमें, HCF जो कॉमन फैक्टर होता है दोनों में वही तो होता है HCF, तो कॉमन क्या क्या आ रही है चीजें देखो ध्यान से, कि 2 और 13, ठीक है, यानी 13 × 2 यानी क्या आ रहा है, 26 आ रहा है, ठीक है। और जब LCM निकालते हैं इसका, LCM थोड़ा यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, टाइम भले ही लगो समझ में आना चाहिए अच्छे से चीजें। तो 26 तो हो गया हमारा वो, और इंटू जो चीजें बची है उनको और कम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 और 3 बचा है ना, उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो इससे हमने निकाल लिया कितना, 3 × 2 = 6, और 6 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 26 से, तो आ गया हमारा 6 × 36 = 3 और 6 × 12 = 15, 156 आ गया, ठीक है। आपने देख लिया कि कितना टाइम लगा हमारा। अब हम एक ऐसा मेथड लाने जा रहे हैं, एक ऐसे मेथड से करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने पहले शायद ही नहीं सुना होगा, राइट। चलो अब हम एक ऐसा अलग मेथड लगाएंगे इसमें, और उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे 52 और इसको मैं 78 को मैं बट्टा में लिख लेता हूँ, इसको इससे 52/78 ऐसे लिख लिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, ये कैंसिल आउट करता हूँ, मेरे को पता है इसमें दोनों में 26 का भाग जा रहे हैं, दोनों में 26 का भाग जा रहे हैं, कितनी बार गया 26 का भाग गया, 26 × 52 = 78, 2/3, 26 से हमने कैंसिल आउट करी है दोनों को, वही हमारा आ गया HCF, तो HCF कितना आ गया हमारा 26, ठीक है। अब हमें LCM निकालना है, LCM निकालना है कैसे निकलेगा, इस 2 को इस 78 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो कितना आ गया, अभी हमने निकाल लिया है तो हम सीधा लिख सकते हैं 156, ठीक है, ये हो गया LCM एंड HCF, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, आपने सीख लिया, ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूं। तो इसमें देखो ज्यादा टाइम नहीं लगा ना, ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमारा टाइम लगता है। यहाँ पे क्या करना है, हमें 52 और 78 का हमें HCF और LCM निकालना है, तो इसको हमने 52/78 लिख लिया ऐसे। अब क्या करना है, हमने चीजों को कैंसिल आउट करना है, इन दोनों को कैंसिल आउट करना है, सेम संख्या से कैंसिल आउट करते हैं, तो 26 से कैंसिल आउट हो रहा है, 26 से कैंसिल आउट कर लिया तो आ गया 2/3, ठीक है। अब आगे क्योंकि ये कैंसिल आउट हो नहीं रहा तो इतना ही छोड़ देते हैं, तो जिससे हमने कैंसिल आउट करा है वो हो गया HCF 26, ठीक है। अब LCM निकालना है तो लास्ट में देखो क्या बचा हमारा, 2/3 बचा है, तो इनको तिरछा मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर लो 78 से तो आ गया 156, या इस 3 को भी हम, इस 3 को भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस 52 से, तो भी क्या आएगा, 156 ही आएगा, ये चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। So, अगर आपको ये चीज अच्छी लगी है, अगर आपने पहली बार सीखे हैं, तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बताना प्लीज, थैंक यू, ठीक है। तो हाँ आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 12 और 18, 12/18 लिख दूं मैं, और कैंसिल आउट हो रहे हैं ये 6 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 6 से कैंसिल आउट हो रहा है, 6 से कैंसिल आउट हो रहा है, 6 × 12 = 6, 3 = 18, तो HCF क्या आ गया, HCF हमारा आ गया 6 बस, और हमें क्या करना है, इस 2 को सीधा मल्टीप्लाई कर दो 18 से, तो कितना आ गया LCM, कितना आ गया LCM आ गया हमारा 18 × 36, बस इतना सिंपल है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अच्छे से चीजें आपको समझ में आ जाए।
और इसके लिए थोड़ा सा हम टफ एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे नॉर्मल ले लेते हैं, वैसे ज्यादा टफ नहीं, 17 और ले लिया हमने 98, ठीक है, ऐसे हमने ले लिया। अब क्या करते हैं, वापिस इसी को हमने करना है 98 बट्टा 17, इसको ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 70, तो इसको ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हो आप, 70 बट्टा 98 लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, मेरे को पता है ये अगर एक बार में कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो दो तीन बार मैं कैंसिल आउट कर लिया करो, तो यहाँ पे मेरे को पता है कि दो बार से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, दो से कैंसिल आउट हुआ, तो ये क्या क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 49 एंड ये आ गया दो से 35, ठीक है, 49 एंड 35 आ गया। अब इसको हम वापिस क्या करते हैं, सात से कैंसिल आउट करते हैं, सात से जब ये कैंसिल आउट हुआ, सात से कैंसिल आउट हुआ तो ये आ गया 7/35, सॉरी 35 को कैंसिल आउट करा तो ये क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है, 7/5 आ गए। अब इससे आगे कैंसिल आउट हो नहीं रहा, शुरुआत में क्या था 98/70 और लास्ट में आ गया हमारा 7/5। अब हमें देखना है कि HCF क्या है, यहाँ पे HCF क्या होगा, HCF हो जाएगा हमारा जिस जिस चीजों से हमें कैंसिल आउट करा था उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 और 7, 2 और 7 को आपस में वापस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 14, ठीक है। अब हमें LCM निकालना है, LCM के लिए क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा हमारा जो हमने हमारे लास्ट में बचा है 7/5, इसको इनसे मल्टीप्लाई कर लेना, सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना, ये 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप 70 को, या 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो 98 को, तो मैं 7 को 70 से मल्टीप्लाई करना मेरे लिए इजी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर वाला है ना इसको इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ गया 7/49, ठीक है, ये आ गया HCF और LCM। तो ऐसे आप और भी एग्जाम्पल लेके आप समझ सकते हो और कर सकते हो, ठीक है, आप और खुद से एग्जाम्पल लेना और खुद से देखना कि ये चीजें वर्क कर रही है नहीं कर रही है, और देखो वर्क तो करेगी, और जब आप ऐसे करते जाओगे तो आपकी स्पीड और ज्यादा बूस्ट हो जाएगी, ठीक है, आप जल्दी चीजों को कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपने ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, आपको जो स्क्रीन पे आ रहा है तो आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको इससे कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो अपने फ्रेंड्स के साथ और आपके जो भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हो।